पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम कार्यालय पर महानगर के प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त संजय चौहान, अपर नगर आयुक्त और पार्षद गण, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया था, उन्हें कोरोना वॉरियर्स का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि आज हम स्वच्छता और अमृत महोत्सव के रूप में ये आजादी का पर्व मना रहे हैं। इसी क्रम में नगर आयुक्त संजय चौहान ने भी अपने शब्दों द्वारा शहीदों को नमन किया, तत्पश्चात मिष्ठान वितरण कर सभी का धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक और इधर हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नौसेना, जल सेना, वायुसेना, सब पे हम लोगों ने विजय प्राप्त किए। तो आज हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम संकल्प लें कि भारत को और आगे बढ़ाएंगे। नव भारत के निर्माण में एक एक व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, यही मैं कहना चाहूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राजू भाई अम्बेडकर जी ने किए, पढ़ के सुना दू अमर शहीदों के नाम, राजू भाई अम्बेडकर। राजू भाई, हमें नाज है अमर शहीदों पर जो लड़ते हैं सरहदों पर। देश की आन है तिरंगा, हिमालय से निकलेगी फिर कोई तिरंगा। वतन की आबरू बचाएंगे हम जब तक हमारे बाजुओं में दम। कारगिल के योद्धाओं को करते हैं हम सलाम, जिन्होंने दुश्मनों का किया काम तमाम। ओलंपिक के विजेताओं को देना है सम्मान, तभी होंगे उनके पूरे होंगे उनके अरमान। शहर की स्वच्छता के खातिर छेड़ती है जंग, तभी हमारी मेहनत लाएगी रंग। सभी को मेहनत का नतीजा है स्मार्ट सिटी, इसकी रफ्तार न होगी धीमी। हंसते हुए जो मौत की बाहों में सो गए, याद आएंगे जो देश पर कुर्बान हो गए। तिरंगा ओढ़कर जो दुनिया से चले गए, वो सदा के लिए अमर हो गए। लहू अपना दे दूं वतन के लिए, अब राजू मेरी जान जाए वतन के लिए। धन्यवाद। आदरणीय माननीय महापौर महोदय, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य माननीय पार्षद, मेरे साथी अधिकारीगण और नगर निगम टीम के सभी जाबाज सदस्य, हम सभी आज 75वां स्वतंत्रता दिवस आयोजित कर रहे हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने स्वयं भी देखा, और जैसे ही मैं उतरा तो चंद लोग चर्चा करते हुए जा रहे थे कि शहर की सफाई व्यवस्था आज अच्छी बड़ा सजा हुआ है। अभी मंच पर बैठे बैठे मैंने देखा दाईं तरफ कोई एक सज्जन थे, अपने परिवार के साथ निकले थे, उनकी छोटी सी बेटी रही होगी सामने स्कूटी पर बैठी हुई थी, और बरबस ही वो यहाँ रुक करके आपका कार्यक्रम देख रहे थे। निकले कहीं और के लिए होंगे लेकिन कार्यक्रम को देख रहे थे। ये जुड़ाव है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी स्वतंत्रता और अपने गणतंत्र के साथ, हम सभी इसको महसूस करते हैं। आज यहाँ उपस्थिति कम है, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब अपर साहब ने ये कहा कि लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र पर होंगे, बिना उनके अपने स्थल पर रहे हुए ये अच्छी सफाई व्यवस्था संभव नहीं हो पाती, तो मेरा अफसोस एकदम से खत्म हो गया। अभी कोरोना योद्धाओं को हमने सम्मानित किया, ये प्रमाण है इस बात का कि जब पूरा देश और विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, मुरादाबाद को हमने अपेक्षाकृत अन्य शहरों की तुलना में बहुत स्वस्थ रखा, बहुत साफ रखा, और कोरोना महामारी से हम ज़्यादा अच्छी तरह लड़ पाए। और ये इसीलिए संभव हुआ कि जो लोग यहाँ अनुपस्थित हैं या हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं।
तो ये बेहद जरूरी है जब किसी की तारीफ करें ना करें, किसी को सम्मान दें, सम्मान पत्र दें, प्रमाण पत्र दें या ना दें, इससे किसी का योगदान छोटा नहीं हो जाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप शांति से अपने अपने क्षेत्र का काम करते हैं और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि बाकी लोग जो है वो आराम से स्वस्थ रहते हुए अपना जीवन जीते हैं। मैं आज बधाई देता हूँ आप सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।